कैसे घोले रिश्तों में प्रेम और मिठास। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई इंसान होता होगा जिसका दुनिया में कोई रिश्तेदार ना होता होगा। और हर आदमी को लगता है मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग, मेरे परिजन इतने भरपूर हों, इतनी खुशियों से भरे हुए हों, इतने समृद्ध हों कि जहां मैं खड़ा हूं वहां मैं गौरव कर सकूं। मेरे भाई, मिट्टी की मटकी और रिश्तों का महत्व वही जान सकता है जो इनको बनाता है, जो इनको तोड़ता है वो इसके महत्व को कभी जान ही नहीं सकता। जो व्यक्ति रिश्तों के महत्व को वही व्यक्ति जान सकता है, और मिट्टी के मटकी के महत्व को वही व्यक्ति जानता है कि मटकी को बनाने में कितना श्रम होता है और रिश्तों को निभाने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है। जितना कठिन है मटकी को बनाना उतना ही सरल है मटकी को तोड़ना, और जितना कठिन है रिश्तों को बनाना उतना ही सरल होता है रिश्तों को तोड़ना। जैसे एक गलती किसी शीशे को तोड़ देती है, जैसे शीशा गलती से टूटता है वैसे ही रिश्ता गलत फहमी से टूटता है। जैसे शीशा कांच शीशा किससे टूटता है, गलती से ठोकर लग गई तो शीशा टूट जाया करता है, पर अगर गलत फहमी दिमाग में पल गई तो रिश्ता टूट जाया करता है। आज हम अपने ही रिश्तों को थोड़ा तरोताजा करते हैं। यूं समझिए कि जैसे फुलवारी तो लगी हुई है, थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा खाद डालेंगे और थोड़ा उनको और ज्यादा हम प्रफुल्लित और अपनी फुलवारी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अपनी बात की शुरुआत मैं घटना से कर रहा हूं। सुबह सुबह घर की बूढ़ी दादी मां ने अपने बड़े वाले बेटे से कहा कि मेरे प्यारे बेटे, पता नहीं 5-7 दिन से मुझे यूं लग रहा है कि मेरा शरीर छूटने वाला है। बेटा, मैंने 95 साल की जिंदगी जी ली, आखिर कितनी जीऊंगी? 95 ईयर्स हो गए, अब मुझे लगता है मेरे सांसों की दौर टूटने वाली है और मेरा शरीर छूटने वाला है। बड़े बेटे ने कहा, मम्मी जी आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, अरे आपका आयुष्य बहुत लंबा है, आप शतायु होंगे। मां ने कहा, बेटा उम्र का किसी को पता थोड़े ही लगता है कि कौन आदमी कितनी जिंदगी जिएगा, मैंने पहले तो कभी नहीं कहा, पर पता नहीं अभी 2-4 दिन से लग रहा है कि जैसे बस अब मेरा शरीर छूटने वाला है। पर बेटा मेरी एक इच्छा है, नीचे जाओ और अपने चारों भाइयों को बोल दो कि वे लोग ऑफिस जाएं, उससे पहले मैं चाहती हूं 5 भाई मुझसे मिल के जाएं, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बड़ा भाई नीचे आया और नीचे आकर घर में चारों भाइयों को उसने आवाज देते हुए कहा कि कोई भी ऑफिस जाए उससे पहले 5 भाइयों को मां जी ने एक साथ बुलाया है, उनको कोई जरूरी काम है, जरूरी बात करनी है, इसलिए 5 भाइयों को एक साथ मम्मी जी ने बुलाया। जैसे ये बात घर की बहुओं ने सुनी तो घर की बहुओं को लगा कि जरूर आज मां जी को धन का बंटवारा करना होगा। अरे इससे पहले तो मां ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि 5 बेटे एक साथ आए, और आज अचानक सुबह होते ही मां जी के मन में ऐसा क्या आया कि 5 बेटों को एक साथ बुलाने की उन्होंने हिदायत दे दी। बहुओं ने सोचा जरूर मां जी धन का बंटवारा करने वाली, जमीन जायदाद का बंटवारा करने वाली है, जरूर आज कोई लिखा पढ़ी होने वाली है और हमारे पति भोले हैं। क्या है, 5 बहुओं के मन में आया हमारे पति भोले हैं, इनमें से कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, सबको लगा मेरा पति बोल ना पाएगा और चारों के हिस्से में ज्यादा माल चला जाएगा, मेरे पति भोले हैं, मेरे पति भोले हैं, सबके दिमाग में ये भूत सवार था। इसलिए बेटे तो पहुंचे ना पहुंचे 5 बहुएं पहले ही पहुंच के बैठ गई ताकि जो भी बात हो अगर मां जी कोई इधर उधर की बात करें और धन के बंटवारे में कहीं कोई भेदभाव बरते तो हम बीच में बोल सकें, क्योंकि आंख की शर्म से हमारे पति तो बोल नहीं पाएंगे। सबके मन में था आंख की शर्मा शर्मी हमारे पति बोल ना पाएंगे, पता नहीं किसके पास कितना सोना रहेगा, किसके पास कितनी जमीन रहेगी। और 5 बहुएं आकर बैठ गई। मां जी ने जब
पांचों बहुओं को देखा तो सोचा, यार मैंने तो बेटों को बुलाया था, बेटे तो आए ही नहीं, पांचों बहुएं पहले से आ गई। माँ जी भी तो 95 साल की थी, जिंदगी के कई अनुभवों का खजाना और अनुभवों की पोटली उनके पास थी, और उन्होंने पांचों बहुओं को देखकर मुस्कान ली। सोचा ठीक है आगे चलो बैठो बैठो। और थोड़ी देर में पांचों भाई एक साथ इकट्ठे होकर आए और आकर कहा, बोलो माँ आज एक साथ हम पांचों भाइयों को बुलाया। कहा हाँ बेटा, रह रहकर दो दिन से थोड़ी थोड़ी देर में मेरे दिलो दिमाग में आता है कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है। बच्चों ने कहा, मां जी कैसी, बस बेटा बात कैसी क्या होती है, हर आदमी को इसके लिए अपनी तैयारी रखनी चाहिए। पता नहीं कब किसका मौका आ जाए, और कब पता नहीं कब किसकी टिकट कट जाए, और पता नहीं कब ट्रेन में चढ़ना पड़ जाए। पर बेटा मैं मरने से पहले तुम पांचों बेटों को, पता नहीं मेरा आयुष्य कितना है, पर मैं जाने से पहले तुम पांचों बेटों को कुछ देना चाहती हूं। बहुएं एकदम से हिली, देना चाहती है मतलब अभी तक माँ जी के पास अंदर और भी कोई खजाना रखा हुआ है क्या जो हमें पता ही नहीं, और माँ जी देना चाहती है। और उन्होंने अपने बेटों से कहा कि बेटों जरा देखो, वो जो अंदर वाला रूम है ना, उसमें एक लकड़ियों का गट्ठड़ पड़ा है। हाँ हाँ माँ जी, कई दिनों से पड़ा है। कहा बेटा बाहर लेकर आओ। लकड़ियों का गट्ठड़ जिसमें करीबन 15-20 लकड़ियां बांधी हुई थी और डोरी कस पर उस पर बांधी हुई थी, सारी लकड़ियां एक साथ रखी थी। दो भाइयों ने लकड़ी का गट्ठड़ उठाया, बाहर लाकर रखा और कहा, लो माजी ये लकड़ी का गट्ठड़, करना क्या है। कहा बेटा कुछ नहीं, बस एक काम करो ना। बड़े वाले बेटे से कहा कि बेटा तुम तो भीम की तरह मजबूत हो, एक काम करो इस लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ दो। उसने कहा हाँ हाँ, और वो लकड़ी के गट्ठड़ के पास गया और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर लकड़ी का गट्ठड़ न टूटा तो वो डोरी खोलने, माँ ने कहा डोरी नहीं खोलनी है केवल गट्ठड़ को ही तोड़ना है। पर पहला बड़ा वाला बेटा जो भीम की तरह मजबूत था तोड़ न पाया, दूसरा बेटा भी बड़ा बलवान था। माँ ने उसे कहा बेटा तू तोड़ दे, उसने भी तोड़ने की कोशिश की न तोड़ पाए। तीसरे ने भी कोशिश की, चौथे ने भी प्रयास किया, पांचवें ने भी पुरजोर लगाया, पर लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ न पाए। माँ ने कहा क्या बात है बेटा, तुम लोग इतने मजबूत हो, इतने बलवान हो, और ये मेरा बड़ा बेटा तो भीम जैसा मजबूत है और एक लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ न पाया। तब पांचों बेटों ने कहा, माँ जी ये एक साथ बंधे हुए हैं ना, इसलिए इनको तोड़ना संभव नहीं है। अगर आप लकड़ियों को तोड़वाना चाहती है तो इसके लिए जरूरी है इसके डोरियों के गांठ को खोलना पड़ेगा, और जब डोरियां खुल जाएगी तो एक एक लकड़ी को तोड़ना बड़ा आराम होगा। माँ जी ने कहा खोलो इसके डोरी को, डोरी को खोला गया। बड़े बेटे ने एक लकड़ी उठाई तोड़ दी, दूसरे ने दूसरी लकड़ी उठाई तोड़ दी, तीसरे ने तीसरी, चौथे ने चौथी, पांचवें ने पांचवीं, अरे और तो और बहुएं भी लकड़ी को तोड़ने में सफल हो गई। माँ जी ने कहा बस बेटा अब तुम लोग आराम से ऑफिस जाओ, जाओ बेटा बहुओं नीचे जाओ, आराम से खाना वाना बनाओ, बस मुझे इतना सही तुम लोगों को कहना था देना था, बस मेरा काम पूरा हो गया, तुम आराम से जाओ। बड़े वाले बेटे ने कहा माँ जी आप कर क्या रहे हो, हम तो कुछ समझ भी ना पाए, आपने पांचों बेटों को तो एक साथ बुलाया, एक लकड़ी को तोड़ने के लिए पांचों को बुलाया। माँ जी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा मैंने लकड़ियों को तोड़ने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें जीवन की एक महान सीख देने के लिए बुलवाया, क्योंकि मुझे अब लगा मेरा शरीर कभी भी छूट सकता है, और तुम मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों में पता नहीं कितना प्रेम रहेगा, कितना मिठास रहेगा, कितना माधुर्य रहेगा, तुम लोग कितने एक सूत्र में बंधे हुए रहोगे, कितने एक दूजे के काम आओगे, कितने एक दूजे का साथ निभाओगे, कितने एक दूजे के जीवन के हिस्सेदार बनोगे, मुझे कोई पता नहीं था। पर पता नहीं आज सुबह सुबह मेरे मन में आया कि मैं मरने से पहले तुम्हें जीवन का एक महान पाठ पढ़ा दूं। बच्चों ने कहा मातुश्री हम आपकी बात अभी भी नहीं समझ पाए। और तब बूढ़ी माँ, 95 साल की बूढ़ी माँ अपनी ही सैया पर, अपने ही तख्त पर बैठी होती है, और बैठी होकर पांचों बेटों को अपने पास बैठा कर कहती है, मेरे प्यारे पांचों बेटे तुम लोग बहुत प्रेम से जीते हो, मिठास से जीते हो, मुझे गौरव है कि भगवान ने मुझे तुम जैसे 5-5 बेटे दिए हैं जो भाई सदा हिलमिल जुल कर रहते हैं। पता नहीं लगता है जीवन में कब कौन घर में कैसा व्यक्ति आ जाता है। अरे कुछ लोग आते हैं जिंदगी में जो जिंदगी में बाग लगा जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो जिंदगी में आग लगा जाते हैं। कभी कभी घर में ऐसे सदस्य आ जाते हैं, कभी ऐसी बहू घर में आती है जो टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ दिया करती है, और कभी कभी दुर्भाग्य
भाग्य से ऐसी भी कोई बहू आ जाया करती है जो जुड़े हुए रिश्तों को तोड़ने में अपनी भूमिका अदा करती है। बेटा, जिंदगी में सब कुछ इसी में है। तुम जहां रह रहे हो, जिन लोगों के बीच रह रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो, जिन परिजनों के बीच रह रहे हो, वहां पर तुम आग लगाने का काम करते हो या बाग लगाने का काम करते हो। हर इंसान अपने जीवन में इतना जरूर याद कर ले, उसने अपने घर और परिवार में वक्त आने पर आग लगाने का काम किया कि बाग लगाने का काम किया। बच्चों ने कहा, प्यारी मां, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर आप हमें समझाना क्या चाह रही है। और तब 95 साल की बूढ़ी मां ने जो बात अपने बच्चों से कही, वो 55 साल का संत आप लोगों से वो बात कह रहा है। 95 साल के अनुभवों की पोटली को लिए हुए जो मां ने अपनी बात 5 बच्चों से कही, एक 55 साल का संत आपको वही बात दोहरा रहा है। और तब उस बूढ़ी मां ने कही, बेटा याद करो, मैंने अपने भीम जैसे बेटे से कहा था, बेटा गट्टर तोड़ दो, तुम नहीं तोड़ पाए। अरे ये बलवान मेरा दूसरा बेटा है, नहीं तोड़ पाया। और ये कितना शक्तिशाली है, रोज जिम में जाता है पर यह भी ना तोड़ पाया। बेटा, क्या तुम्हें पता लगा कि तुम लकड़ी के गट्ठर को क्यों ना तोड़ पाए? बच्चों ने कहा, इसलिए ना तोड़ पाए क्योंकि डोरी में बंधा हुआ था। बस मेरे प्यारे बच्चों, जाओ और मैं रहूं या न रहूं, मेरे इस अंतिम जीवन के पाठ को जीवन भर याद रखना। जब तक तुम पांचों भाई इस लकड़ी के गट्ठर की तरह साथ साथ रहोगे, दुनिया में सबसे शक्तिशाली बने रहोगे और दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें तोड़ सके, मरोड़ सके, तुम्हारे जीवन में नुकसान कर सके। पर जिस दिन ये डोरी खुल गई एकता की, ये डोरी खुल गई प्रेम की, ये डोरी खुल गई बंधने की, ये जो एक साथ एक सूत्र में तुम बंधे हुए हो, जिस दिन तुम खुल गए ना, अरे आज तो पांचों भाई साथ हो, इसलिए गांव के पंच कहलाते हो। और जिस दिन अलग अलग हो गए ना, पड़ोसी भी तुम पर भारी पड़ जाएगा। जिस दिन जुदा हो जाओगे, पड़ोसी भी तुम पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बेटों, अगर हो सके मेरे जाने के बाद अगर मेरे नाम पर तुम कुछ करना चाहते हो, अरे प्याऊ बनाओ कि ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, धर्मशाला बनाओ कि ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, अरे भगवान का मंदिर भी ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, पर एक काम जरूर करना, जहां तक हो सके भाई भाई के रिश्ते को निभा देना। कौन सा शब्द है दिमाग में लो, कौन सा शब्द है दिमाग में लो? निभाना। क्या शब्द है? निभाना। अगर इंसान इस एक शब्द को जीवन में सीख लेता है कि मैं जैसे तैसे भी रिश्तों को निभाऊंगा, तो शायद आदमी हर हालत में, मेरे भाई, जुदा होने का काम केवल 2 मिनट का होता है। जुदा होने के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, जब चाहोगे तब 2 मिनट में जुदा हो जाओगे। खास बात यह नहीं है तुम्हारी कि तुम भाई भाई जुदा हो गए, खास बात यह है कि शादी के 40 साल बाद भी आप भाई भाई अगर साथ हैं, हिल मिल जुल कर रहते हैं, एक साथ सुबह उठकर गले लगते हैं, दोपहर में देरानी जेठानी एक थाली में खाना खाती है और रात को सोने से पहले घर की बहुएं अपने दादी सा के पांव दबाकर, कमर दबाकर, सेवा दब करके घर में जाया करती है, मेरे भाई उनकी रातें रातें नहीं होती। जहां पर सुबह उठकर लोग अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते हैं, उनके आशीर्वाद के तले अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उनका पूरा दिन बड़ा सुख भरा रहता है, और जहां रात को सोने से पहले घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाती है, उनकी रातें हमेशा सुकून भरी रहती है। दिन को सुख भरा बनाने के लिए सुबह सुबह माता पिता दादा दादी को प्रणाम का सौभाग्य लीजिए, और अपनी रात को सुकून भरी बनाने के लिए अपनी रात को दुआओं की दौलत से, अपनी रात को दुआओं के दीपक से, अपनी रात को जगमगाने के लिए और हर रात को दिवाली बनाने के लिए घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा का सहारा लीजिए। आज हम एक खास बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे घोलें रिश्तों में प्रेम और मिठास। मेरे भाई, हम सबका परिवार है, हम सबके रिश्तेदार हैं, हम सबके परिजन हैं। केवल खास बात ये नहीं है कि हमारे रिश्तेदार कितने, हमारे परिजन कितने हैं, हमारे परिवार में लोग कितने हैं। फर्क ये आया है, पहले लोग जैसे तैसे भी साथ रहना चाहते थे और अब लोग जैसे तैसे भी अलग होने की योजना बनाने लग जाते हैं। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। हम में से कई लोग होंगे जिनके 5-5 संतानें रही, हम में से कई लोग हैं जिनके 6-6, 7-7 भाई बहन रहे होंगे। है कोई जिनके 6-7 भाई बहन रहे? हाथ खड़ा करो। कितने? अरे वाह, इतने सारे लोग हैं। किस्मत वाले थे आपके परिजन, मेरे भाई किस्मत वाले थे, जिनके घर में 5-5, 6-6, 6-6, 7-7 टावर होते। कोई ऐसे भी है जिनके 8 टावर रहे हों, 8 भाई बहन रहे हो जो घर में? हाँ, ये 8 वाले, 9 वाले, 9 वाले जिनके 9 भाई बहन। दादाजी आप 9 भाई बहन? शाबाश इंडिया। किसके लिए? आपके लिए ताली बजाऊं कि आपके माता पिता के लिए?
कोई दस वाला भी है जिनके 10-11 भाई बहन रहे हो? हाँ, कितने हैं दादाजी? हैं कितने? 11। अरे वाह, चढ़ावा छोड़ू कि कोई 12 वाला भी है? है कोई 12? मैं आप कितने? 12 भाई बहन। कितने? 8 बहने 4 भाई। मेरे भाई, पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। अरे आप जहां से आए हैं ना, जहां पर 12 भाई बहन थे, ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई 7,000 फीट का मकान था। वही छोटा सा मकान रहा होगा 35x45 का, 30x75 का। अरे भाई, अपन गांव में जब रहते थे तो मकान होते कितने थे? किसी भी शहर को याद कर लो ना, जोधपुर के अगर भीतरी भाग को ले लो, जयपुर के भीतरी भाग को ले लो, बीकानेर अजमेर के भीतरी भाग को ले लो, बाड़मेर के भीतरी भाग को ले लो, अभी भी वहां जाएंगे तो वही मकान के गलीरे होते थे, 15x25 का, 12x28 का। और वहां पर 10-10 भाई बहन, केवल 10-10 भाई बहन नहीं, उनकी पत्नियां, उनके पति, उनके परिजन, चाचा, मामा, भाई, भांजा, भतीजे, इतनी इतनी टीम घर में बनी रहती थी और इतना उल्लास, इतना मिठास घर में बना रहता था, लगता था कि घर स्वर्ग बना हुआ है। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। अब लोगों के पास मकान तो बहुत बढ़ गए, अमीरी भी बहुत बढ़ गई, पर लोगों के दिल बहुत छोटे हो गए। पहले लोग इंतजारी करते थे कोई आए तो हम खाएं, अब लोग इंतजारी करते हैं ये जाए तो पीछे हम खाएं, यार जा ही नहीं रहे। पहले और अब में फर्क आ गया है। पहले होता था जमाना अलग। पहले पता है क्या होता था? कपड़ा पहनता था मोटा, कपड़ा होता था मोटा, मकान होता था छोटा, खाते थे बाजरे का रोटा, तो कदी ने रहता था टोटम टोटा। क्या था? पहनने को कपड़ा मोटा और रहने को मकान छोटा, खाते थे बाजरे का रोटा, तो घर में रहता था कभी नहीं टोटम टोटा। सब कुछ उल्टी हो गई है बाजी। पहले कपड़े मोटे थे और मकान छोटे थे, अब आप बोलो क्या हुआ है? इसको उलट के बोलो, अब कपड़े छोटे हो रहे हैं, मकान मोटे हो रहे हैं। पहले खाते थे बाजरे के रोटे, अब खाते हैं होटल के रोटे, तो जीवन भर रहते हैं टोटम टोटे। तब में और अब में फर्क क्या आया है? तब परिवार में सुकून बहुत होता था, आज परिवार में सुविधाएं बहुत होती है। पहले और अब में फर्क ये है, पहले लोग घर में खाते थे और लोटा लेकर बाहर जाते थे, अब लोग बाहर होटलों में खाते हैं और घर का इस्तेमाल जाने में करते हैं। पहले और अब में फर्क, अभी मैं एक बड़े शहर में था, एक अच्छे अमीर घर में हमारा ठहरना हुआ और संयोग से उनकी इच्छा थी, बाबजी मेरे सारे कमरों में घर में पगड़ियां कर दो। पगड़ी का मतलब है हर कमरे में पांव रख दो। लोगों का मानना भी, गुरुजनों का पांव अगर घर में पड़ जाता है तो घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। ठीक है, हम उनके सारे रूमों में गए जहां प्रभु जी की फोटो वगैरह रखे हुए थे, पूजा के आले में भी गए, रूम में भी लेकर गए, एक उनकी खास इच्छा थी। कहने लगे, प्लीज गुरुदेव हमारे बाथरूम में भी चलिए, वहां भी पगड़ियां कर दो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा यार बाथरूम में पगड़िया, नहीं नहीं गुरुदेव बाथरूम में भी पगड़िया कर दो। अब मैंने कहा करेंगे कि नहीं नहीं आप जी बाथरूम में पगड़िया कर दो। लोगों के पता नहीं क्या क्या अरमान हुआ करते। अभी हम आलंदी गए थे ना, तो एक जहां हम ठहरे हुए थे बगल में एक घर था, वो घर की बूढ़ी माँ जी कोई 85 साल की थी, आई होगी और कहा बाबजी मेरे कमरे में पगड़िया कर दो। गए उनके फ्लैट में और लेती लेती वो बाथरूम में ले गई, जिद करने लगे बाबजी बाथरूम में पगड़िया कर दो। मैं क्यों? अरे बाबजी आशीर्वाद दो, इस घर की बड़ी विचित्र हालत है, नहाने बैठो नल का पानी बंद हो जाता है, आप तो आशीर्वाद दो पानी चलता रहे। अब मैंने कहा पता नहीं लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी इच्छा थी बाबजी अगर बाथरूम का मेरे पगड़िया कर दो। चलो भाई, हमने कहा किसी आदमी की इतनी इच्छा पूरी होती है। बाथरूम का दरवाजा खोला, इतना चकाचक, इतना मस्त, इतना सुंदर, हमें बताया गया 25-26 लाख का बाथरूम है। कितना? 26 लाख रुपए में बना हुआ बाथरूम। बाप जी ये इटली से मंगाया है, और वो तो होता ना वो नहाने के लिए क्या कहते हैं वो अब मैं तो क्या 10 साल का महाराज बना हुआ हूँ, वो सामने टीवी स्क्रीन लगी हुई थी और पानी भी यूं नहीं कि नल में से पानी लेके नहाओ, ऐसा लग रहा है बारिश में नहा रहे हैं, चारों तरफ से पूरे बाथरूम से पानी आ रहा है, इतना सुंदर। आजकल लोगों के पता है घर के आंगन से ज्यादा सुंदर तो बाथरूम होने लगे अमीर घरों में, तो इतना सुंदर चकाचक बाथरूम था। मेरा भी जी करने लगा आधी घंटा इधर जी बैठ जाऊं, इतना एकदम
एकदम चकाचक, आईने वाईने कांच वाच सब चकाचक लगा था। बाप जी 26 लाख में बनाया है, मेरे मुंह से यही निकल पड़ा जब वो अपनी बाथरूम की ज्यादा तारीफ करने लगे। हमें लगा कि यार पहले मकानों में परिवारों की कीमत हुआ करती थी, अब मकानों में बाथरूमों की कीमत हुआ करती है। इसके आधार पर आदमी मान रहा है कि मैं कितना अमीर और कितना गरीब हूं। और मेरे मुंह से निकल पड़ा, मैंने भाई साहब बाथरूम तो बहुत ही सुंदर बनाया है, खाना यहीं बैठ के खाते हो क्या? बाप जी अंदाजा कैसी बात करते हो। मैंने कहा जो चीज खाने में काम नहीं आती केवल जाने में काम आती है, अब वो 25 लाख का है कि 25,000 का, इससे फर्क क्या पड़ता है? खास बात ये नहीं है कि आपके घर की रूम और बाथरूम कैसे हैं, खास बात ये नहीं है कि आपका घर का किचन कैसा है, खास बात यह कि घर में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की जिंदगी में प्रेम और मिठास कितना। घर तब स्वर्ग नहीं बनता जब आपके बाथरूम चकाचक होते हैं, घर तब भी स्वर्ग नहीं बनता जब आपका बेडरूम चकाचक होता है, घर तब भी स्वर्ग नहीं बनता जब आप घर के आंगन में 2,500 रुपया फिट का मार्बल लाकर लगाते हैं। इंसान का घर तब स्वर्ग बनता है जब घर में रहने वाले लोग परस्पर प्रेम से, मिठास से, माधुर्य से, मर्यादा से, सहिष्णुता से, एक दूजे के काम आने की भावना से, परस्पर त्याग की भावना से, एक दूजे को गले लगाने की भावना से, एक दूजे के जीवन का हिस्सेदार बनकर जो जीने का आनंद आता है मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि आप जहां जहां कोठियां देखते हैं वहां हर जगह स्वर्ग है, और जरूरी नहीं है जहां आप कच्ची बस्ती में झोंपड़ियां देखते हैं वहां नरक है, क्योंकि स्वर्ग और नरक केवल मकानों में नहीं होते, स्वर्ग और नरक हमारे जीवन में होते हैं।